नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस प्रथम वीर नारी के बारे में जिसने 1857 की क्रांति से लगभग 76 वर्ष पहले ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी और उसे जीता भी। नारी शक्ति की प्रतीक ये रानी थी वेल्लु नाचियार, जिन्होंने विश्व में सबसे पहले मानव बम अथवा सुसाइड बॉम्ब की सफल योजना बनाई। तमिलनाडु में लोग इन्हें वीर मंगाई कहते हैं, जिसका अर्थ है वीर नारी। 3 जनवरी 1730 को तमिलनाडु के रामनाड साम्राज्य वर्तमान के रामनाथपुरम में राजा चेल्लमुत्तु विजय राघुनाथ सेतुपति की रानी स्कंदिमुत्तल की कोख से जन्मी इस कन्या का नाम वेल्लु नाचियार रखा गया। रामनाड साम्राज्य की राजकुमारी का पालन पोषण एक राजकुमार की भांति किया गया। बचपन में ही अस्त्र शस्त्र तीरंदाजी घुड़सवारी का प्रशिक्षण प्राप्त कर ये युद्ध कला में ऐसी निपुणता हासिल कर चुकी थी कि बिना हथियारों के भी दुश्मन को धराशायी कर देती। मातृभाषा के साथ साथ फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में पारंगत थी। सन 1747 में 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह शिवगंगा अथवा शिवगंगई साम्राज्य के राजकुमार मुत्थु बदुगनाथ पेरिया उदयाथेवर से हुआ। मुत्थु बदुगनाथ पेरिया ने लगभग 2 दशक तक शांतप्रिय ढंग से सुशासन किया। इसी बीच रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम वेलाच्ची रखा गया। लेकिन इस खुशहाल और समृद्धशाली राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र थी। सन 1772 में अंग्रेजों ने अपनी हड़प नीति के तहत अमरकोट के नवाब के साथ मिलकर इस राज्य पर हमला कर दिया। उस समय के सबसे विध्वंसक युद्धों में से एक कलैयार कोली के नाम से प्रसिद्ध इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ। इस युद्ध में रानी के पति के साथ कई अन्य सैनिक मारे गए। इस नरसंहार में बूढ़े, बच्चे, जवान और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। किसी प्रकार से रानी अपनी पुत्री बेलाच्ची तथा मरुत भाइयों के साथ वहां से जंगलों की तरफ निकल गईं तथा अंग्रेज सरकार ने इनके महल पर कब्जा कर लिया। रानी ने डिडीगुल के पास बिरुपाची नामक स्थान पर गोपाल नायकर के यहाँ शरण ली। यहाँ रानी ने अपने साम्राज्य को वापस पाने के लिए सेना इकट्ठी करना शुरू किया। यहाँ उनकी मुलाकात टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली से हुई। हैदर अली इनकी उर्दू भाषिता तथा पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ। वह रानी वेल्लु नाचियार को अपनी बेटी की तरह मानने लगा तथा उनको कुछ धन के साथ 5,000 की सैन्य मदद भी दी। अब एक सशक्त सेना के साथ रानी ने अंग्रेजों पर हमला करके अपना साम्राज्य वापस पाने का फैसला किया। सन 1780 में अंग्रेज सरकार तथा रानी का आमना सामना हुआ। रानी को अंग्रेजों के गोला बारूद के भंडार घर का पता चल गया था। यहाँ रानी ने विश्व में पहली बार मानव बम अथवा सुसाइड बॉम्ब की सफल योजना बनाई। इस योजना को अंजाम देने की जिम्मेदारी रानी की विश्वसनीय कमांडर कोयली ने अपने कंधों पर ली। वह ग्रामीण स्त्री के भेष में महल के अंदर दाखिल हो गई। वहां उन्होंने मंदिर में जल रहे एक बड़े दीपक का घी अपने शरीर पर लगाया तथा खुद में आग लगाकर गोला बारूद के भंडार घर में कूद गई। इस हमले से अंग्रेजी सेना का असला बारूद नष्ट हो गया तथा कई सैनिक मारे गए। अंग्रेज कुछ समझ पाते उससे पहले ही रानी ने उन पर हमला बोल दिया। अंत में अंग्रेजों को महल छोड़कर भागना पड़ा। बाद में रानी ने 10 साल तक अपने पति के साम्राज्य में शासन किया। इस दौरान उन्होंने वीर कमांडर कोयली की स्मृति में उनके नाम से एक घातक सैन्य टुकड़ी का निर्माण किया जो अंग्रेजों के खिलाफ प्रयोग की गई। सन 1790 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने राज्य की संपूर्ण जिम्मेदारी अपनी पुत्री बेलाच्ची को सौंप दी तथा 25 दिसंबर सन 1796 को भारत की वो वीर नारी पंचतत्व में विलीन हो गई। 31 दिसंबर 2008 में भारतीय डाक विभाग ने इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। फिर भी ज़्यादातर लोग इनकी गाथा से अनभिज्ञ हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके बारे में जान सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है तथा ऐसी ही इतिहास के पन्नों में दबी बलिदानों की गाथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल इंडियन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।